नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपके साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 468 पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूं। इस धारा के अंतर्गत क्या अपराध होता है, यह धारा 468 के बारे में क्या कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 468 में सजा और जमानत कैसे होती है, इस धारा के बारे में पूरी जानकारी इस YouTube चैनल लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, धारा 468 आईपीसी का मतलब है छल के प्रयोजन से कूट रचना करना। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के छल कपट कर किसी व्यक्ति से जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा कर उन दस्तावेज को छल करने के लिए प्रयोग करे, ऐसे व्यक्ति पर धारा 468 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यह संज्ञेय अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। किसी भी व्यक्ति के छल कपट कर उसके साथ क्रूरता करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 468 में कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। छल कपट कर उसे किसी निजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाकर उन दस्तावेज को गलत तरीके से प्रयोग करना बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध में आरोपी को 7 वर्ष तक की भी सजा सुनाई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक गांव में दो लोग रहते हैं, एक का नाम ए होता है और दूसरे का नाम बी होता है। ए के पास बहुत सारी जमीन होती है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, और बी के पास भी जमीन होती है लेकिन कम जमीन होती है। लेकिन बी को गलत तरीके से चीजों को लेना काफी अच्छा लगता है। एक दिन बी ने ए के घर आया और छल कपट करके, यानी गलत तरीके से करके, वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लेता है और ए को मालूम भी नहीं चलता है। लेकिन बाद में जब ए को मालूम चलता है तब तुरंत ए पुलिस थाना जाता है और बी के ऊपर केस दर्ज कराता है। तो पुलिस बी के ऊपर आईपीसी सेक्शन 468 अप्लाई जो करता है और उसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करती है। दोस्तों, धारा 468 में सजा का प्रावधान कैसे? भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी से छल कपट कर किसी दस्तावेज का गलत तरीके से प्रयोग करता है तब ऐसे व्यक्ति को न्यायालय 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित करती है। दोस्तों, यह एक संज्ञेय अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, यह गैर जमानती अपराध है। किसी के साथ धोखा करना एक गंभीर अपराध है जिसमें किसी को नुकसान हो सकता है। ऐसे अपराध आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उस व्यक्ति के साथ पहले से ही कुछ झगड़ा चल रहा हो या फिर उस व्यक्ति की उन्नति किसी की आंखों में चुभ रही हो या उससे कोई फ्रॉड करना चाहता हो, तभी ऐसा छल करता है।
धारा 468 में जमानत का प्रावधान। धारा 468 के अनुसार यदि कोई किसी के साथ छल कपट करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा यानी कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है, और ऐसे अपराध में किसी भी आरोपी को जमानत मिलना काफी मुश्किल होती है। यह एक गैर जमानती अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, क्योंकि ऐसे मामलों में न्यायालय को काफी सोच विचार कर निर्णय लेना पड़ता है ताकि आगे चलकर कोई बड़ा अपराध ना हो। ऐसे में अगर आरोपी उच्च न्यायालय में अपनी जमानत की याचिका दायर करता है तो वहां उसकी याचिका को निरस्त कर दिया जाता है या मजिस्ट्रेट परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का फैसला लेते हैं। यानी अपराध की गंभीरता कितनी बड़ी है दोस्तों। धारा 468 आईपीसी में वकील की क्या भूमिका होती है? धारा 468 भारतीय दंड संहिता में वकील की बहुत पूर्ण भूमिका होती है और उसकी आवश्यकता भी बहुत होती है। धारा 468 भारतीय दंड संहिता का अपराध एक नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध है, जिसे न्यायालय के समक्ष अजमानती लेने के लिए और मुकदमे की ट्रायल लड़ने के लिए वकील की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वकील ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जमानत दिलवा सकता है, और न्यायालय में इस मुकदमे से बरी करवाने में वकील की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वकील ऐसा ही नियुक्त करना चाहिए जो आपराधिक मामलों में पारंगत हो एवं अनुभवी हो। इस प्रकार का वकील आपको नियुक्त करना चाहिए। इसलिए धारा 468 भारतीय दंड संहिता के मामलों में वकील की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। दोस्तों, लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया यूट्यूब चैनल पर कानून से संबंधित जानकारी देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा, और आप सभी साथियों का और दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धारा 468 आईपीसी में के संबंध में आपको कोई भी सवाल है जिनका जवाब जानने के लिए आप इच्छुक हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम एशल शर्मा है, मैं पूर्व पुलिस कर्मी एवं वर्तमान समय में पैसे से एक वकील हूं। मेरे दो YouTube चैनल हैं, लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया एंड लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली। यहां से आपको सभी प्रकार की कानून से संबंधित रखने वाली हर जानकारी मैं देता रहूंगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी। इस अनुभव के साथ जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह देने के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आशा करता हूं कि मेरे और मेरी टीम द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हम आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण कानून से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। अगेन दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा, जय हिंद।